Hello, my dear students, today I'm going to tell you chapter 16, garbage in, garbage out, class 6. So without wasting time, we shall continue from keywords. First keyword is waste, waste, materials, food, etc. that is useless and thrown, thrown, away is called waste. वो मटेरियल्स जो हमारे लिए यूजलेस होता है और उसे हम घर के बाहर फेंक देते हैं उसको आप वेस्ट कहते हैं. गार्बेज, वेस्ट मटेरियल्स लाइक ट्रैश, रबिश और रिफ्यूज डिस्कार्डेड बाय ह्यूमंस इज कॉल्ड गार्बेज. वो वेस्ट मटेरियल जो ह्यूमन बींग्स यूज नहीं करते हैं उनको गार्बेज कहा जाता है. जैसे कि ट्रैश, ट्रैश का मतलब होता है कूड़ा करकट. रबिश का मतलब भी यही होता है, कूड़ा करकट, गंदगी. जैसे आप लोग प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह हैं, घर में पॉलीथीन्स वगैरह हैं, बुक्स जो ख़राब हो जाती हैं, ये सब गार्बेज होता है. लैंडफिल, एन एरिया वेयर द गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम सिटीज और टाउन्स इज डम्प्ड. दिस एरिया इज कॉल्ड लैंडफिल. लैंडफिल वो एरिया है जहाँ पे घर से जो गार्बेज इकट्ठा किया जाता है उस गार्बेज को जो गड्ढे होते हैं वहाँ पे उनको भर दिया जाता है और बाद में जो ये लैंडफिल है इसको गार्डन वगैरह में कन्वर्ट किया जाता है. नेक्स्ट इज कंपोस्ट. इट इज़ ऑफन कॉल्ड ह्यूमस. डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट नेचुरली मेक्स ह्यूमस. सो कंपोस्ट का मतलब जो वेस्ट होता है, जैसे पत्तियाँ हो गया, भूसा हो गया, कपड़े हो गए, कोई भी वेस्ट जो कि अपने आप बैक्टीरिया की मदद से, अर्थवर्म की मदद से कंपोज में तब्दील हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं उस नेचुरली उस कंपोज को ह्यूमस भी कहा जाता है और ह्यूमस को ही हम फिर कंपोज कहते हैं. डिकम्पोजिशन होता है स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन होना बैक्टीरिया की मदद से या अर्थवर्म की मदद से या रेड वर्म्स की मदद से, लाइक दैट. वर्मी कंपोस्टिंग, प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग. सो वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब कंपोस्ट बनाना किसकी मदद से, रेड वर्म्स की मदद से. रिसाइकलिंग, सो आपने 3 R's के बारे में सुना होगा, उन 3 R's में से 1 R रिसाइकलिंग भी होता है. कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ट्रैश into new products is called recycling. और जैसे आपने देखा है जो गार्बेज कलेक्टर होते हैं, रैक पिकर्स होते हैं, वो बॉटल्स वगैरह लेके जाते हैं, प्लास्टिक्स की बॉटल वगैरह, कांच की बॉटल वगैरह, फिर उसके बाद वो उसको बेच देते हैं किसी शॉप में और वो शॉप उसको फिर दोबारा फैक्ट्रीज में बेचते हैं जहाँ पर उनकी रिसाइकलिंग होती है और दोबारा कोई ना कोई उससे प्रोडक्ट बनता है, दैट इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग. सो रिसाइकलिंग करने से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी साफ़ सुथरा रहता है और पॉल्यूशन भी नहीं होता और चीज़ों को हमें रिसाइकल करना भी चाहिए. सो कीवर्ड्स वी हैव फिनिश, नाउ नोट्स. क्या होगा अगर गार्बेज को हटाया नहीं जाएगा हमारी सराउंडिंग से, हमारे आसपास के वातावरण से? सो इट विल कॉज डिसीजेस. क्या होंगी, बीमारियां हो जाएंगी. इट कॉजेज डिसीजेज या कॉज डिसीजेज. व्हाट हैपन टू गार्बेज कलेक्टेड बाय सफाई कर्मचारी. आपकी गलियों में, अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपके कॉलोनीज में जो सफाई कर्मचारी आते हैं वो जिस गार्बेज को लेके जाते हैं उसका क्या होता है, उस गार्बेज से रिसाइकलिंग होती है या कंपोस्ट मेकिंग होता है. रिसाइकलिंग मतलब उन चीज़ों से दोबारा दूसरी, उन खराब चीज़ों से दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं और कंपोस्ट का मतलब होता है नेचुरली ह्यूमस बनाना. व्हाट इज़ SBM? SBM एक कैंपेन था जो कि नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2019 में स्टार्ट किया था जिसका नाम था स्वच्छ भारत मिशन. जो ये लैंडफिल होता है उसके ऊपर क्या बनाया जाता है, पार्क और प्लेग्राउंड. कंपोजिटिंग क्या होता है, रॉटिंग एंड कन्वर्शन, CONVERSION, कन्वर्जन ऑफ सम वेस्ट मटीरियल्स इंटू मैन्योर. सो नेचुरली जो वेस्ट मटीरियल होता है जब वो सड़ जाता है, गल जाता है, तो उसका कन्वर्जन हो जाता है, वो बदल जाता है मैन्योर में, उसको हम कहते हैं कंपोजिटिंग. विच कलर डस्टबिन आर यूज फॉर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो है स्टूडेंट्स जो कि कंपोज में चेंज हो जाता है, जिसका कि हम कंपोज बना सकते हैं. सो जो ग्रीन डस्टबिन्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है और ब्लू कलर डस्टबिन
उस वेस्ट के लिए यूज़ करेंगे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा, मतलब जिसका हम कंपोज नहीं बना सकते, जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक के ग्लास या फिर पॉलिथिन्स वगैरह, तो उसको हम ब्लू डस्टबिन्स में कलेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने बर्निंग क्यों इलीगल किया? जैसे हरियाणा और पंजाब, अधिकतर ये दो राज्य हैं जहाँ पे कृषि बहुत ज़्यादा होता है, खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर जब धान की कटाई होती है या गेहूं की कटाई होती है तो उसके बाद खेत में जो बच जाती है फसल का नीचे वाला हिस्सा, तो उसको ये लोग जला देते हैं। तो वो इलीगल है, वो गैर कानूनी है। ऐसा क्यों? बर्निंग ऑफ लीव्स कॉज ग्लोबल वार्मिंग एंड पल्यूट एनवायरमेंट। अब ये जो किसान हैं अपने खेतों में फसल को काटने के बाद जो नीचे का हिस्सा रह जाता है, अगर बेटा ये सब लोग इसको जलाते हैं तो इससे पल्यूशन होता है, स्मोक होता है और इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए कानून ने इसको आपराधिक कार्य बताया है। कानून ने कहा है कि ये गलत है, हमें अपने खेतों में इस प्रकार उसको जलाना नहीं चाहिए। Why are earthworms called farmers friends? Earthworms को किसानों का मित्र क्यों कहा गया है? They do वर्मी composing. Earthworms को किसानों का मित्र कहा गया है क्योंकि जो earthworms हैं वो मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं, वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, और वो जो प्रक्रिया होती हैं जिसमें earthworm मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं उसको वर्मी composing कहते हैं। सो आप बहुत ब्रीफ में लिखिएगा, Earthworms are called farmers' friends because they do vermicomposing. Earthworms का वो कौन सा organ है जिससे वो grinding करता है, जिससे वो चबाता है? So that is gizzard. So मेरे लिए भी ये word नया था students. I hope, मुझे लगता है आप लोगों के लिए भी ये नया है. So earthworm का grinding organ है जिससे वो grind करते हैं, that is called gizzard. Now students, we will start textual question answer. Which kind of garbage is not converted into compost by redworms? Redworms किस प्रकार के कूड़े को compost में change नहीं कर सकते? ऐसा garbage जिसमें नमक है, अचार है, तेल है या vinegar है या meat है या दूध से बना हुआ कोई भी पदार्थ है, उसको earthworm compost में convert नहीं कर सकता। Even इससे वहाँ पे बदबू आने लगती हैं और diseases भी हो सकती हैं। Which other creatures convert garbage into compost? Redworms के अलावा और कौन से creatures हैं जो garbage को compost में change करते हैं? Bacteria, insects and earthworms are also used for compositing. They are also called composers. क्या garbage disposal responsibility है government की केवल? क्या ये केवल सरकार का ही जिम्मेदारी है कि उसको गार्बेज को प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए? नो, ऑल सिटीजन्स शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गार्बेज डिस्पोजल एट देयर लेवल। प्रत्येक नागरिक को अपने लेवल पे जो भी गार्बेज उसके घर में है, उसके घर के बाहर है, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। Is it possible to reduce the problem of garbage disposal? क्या garbage disposal की समस्या को हम थोड़ा कम कर सकते हैं? Yes, it is possible. हाँ, ये बिल्कुल संभव है। कैसे? देखिए, make compost of garbage at home in your garden. So आपके घर में जो ऐसा कूड़ा है जिसको जो कि compost में बना सकते हैं, उसको आप अपने ही garden में compost बनाइए। Use bag for shopping. अगर हम अपना खुद का बैग शॉपिंग के लिए लेके जाएंगे तो गार्बेज कम होगा, तो जब गार्बेज ही कम होगा तो हमें डिस्पोजल की समस्या नहीं आएगी। इसी प्रकार अवॉइड पॉलीथीन्स का इस्तेमाल बंद करना चाहिए हम लोगों को। रिसाइकल यूज्ड प्लास्टिक ग्लास एंड पॉलीथीन्स। हम लोगों ने जो प्लास्टिक ग्लास और पॉलीथीन्स यूज़ किया होता है उसको रिसाइकल करना चाहिए। उसको अगर आप सही डस्टबिन में डालोगे तो सरकार के द्वारा भी ये प्रक्रिया है, वो ब्लू डस्टबिन और ग्रीन डस्टबिन में मटीरियल लेके जाते हैं और कंपोस्ट और रिसाइकलिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारे घर में लेफ्ट ओवर फूड होता है, बचा हुआ खाना होता है, उसका आप क्या करते हैं? आई गिव इट टू स्ट्रे एनिमल्स।
बेटा ये अलग अलग आप लोग जवाब लिख सकते हैं। मैंने लिखा है कि मैं उसको हमारे गलियों में जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, ऐसे गाय हैं, भैंस हैं, डॉग्स हैं, इनको स्ट्रे एनिमल्स कहते हैं, जो लोग जो यहाँ वहाँ गलियों में घूमते रहते हैं, आवारा पशु होते हैं बेटा, तो हमें इन्हें ये खाना देना चाहिए। अगर आपसे कहा जाए कि प्लास्टिक प्लेट या बनाना लीफ में केले के पत्ते का बना हुआ प्लेटर है, प्लेट है, तो आप कौन सा प्रिफर करेंगे? आई वुड प्रिफर बनाना लीफ प्लेटर बिकॉज इट कैन बी डिकम्पोज्ड, DECOMPOSED। मैं केले के पत्ते से बना हुआ जो प्लेट होगा उसको प्रिफर करूँगी, क्योंकि केले के पत्ते का बना हुआ प्लेटर को आसानी से डिकम्पोज किया जा सकता है और ह्यूमस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या डिफरेंस है रिसाइकल्ड पेपर में और अ न्यू शीट ऑफ पेपर? एक नया पेपर है, एक नई नोटबुक है आपकी, और एक ऐसी नोटबुक है जो रिसाइकल्ड पेपर से बनी हुई है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? बेटा इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा क्वालिटी का फ़र्क होता है। जो बिना रिसाइकल्ड पेपर की नोटबुक होती है वो बिल्कुल वाइट होती हैं, बिल्कुल क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी होती है, और जो रिसाइकल्ड पेपर्स की नोटबुक होती हैं वो थोड़ा सा डल होता है, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम होती है। रिसाइकल्ड पेपर इज़ ऑफ लो क्वालिटी। What is the purpose of various packaging? जो packaging होती हैं, आपने इतना सारा सामान आप लोग देखते हैं उसकी packaging होती है, तो packaging का purpose क्या है, उद्देश्य क्या है? Packaging का अलग अलग उद्देश्य होता है। पहला है सामान की बिक्री करना। अगर अच्छा packaging होगा, attractive होगा, तो बहुत आसानी से उसकी selling हो जाती है। दूसरा providing information of the material। Packaging हमें ये बताता है, packet के बाहर लिखा होता है कि अंदर जो material है वो किस क्वालिटी का है, वो किन किन चीजों से बना हुआ है, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगा, डेट ऑफ एक्सपायरी होगा, इंग्रेडिएंट्स होगा, इसका मतलब पैकेजिंग हमें इंफॉर्मेशन भी देता है। प्रोटेक्टिंग द मटेरियल, और पैकेजिंग से जो मटेरियल है उसके अंदर उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, उसको हम बर्बाद होने से बचाते हैं, रैंसिड होने से बचाते हैं, डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं, तो पैकेजिंग का एक कार्य ये भी है। शोइंग प्रोडक्ट आइडेंटिटी, और पैकेजिंग से हमें प्रोडक्ट का आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है, उसकी क्वालिटी के बारे में पता चलता। आपने देखा एग मार्क मसालों पे होता है, ठीक है ना, ISI मार्क होता है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में, तो ये सब प्रोडक्ट की आइडेंटिटी बताता है कि वो किस लेवल का है। रिड्यूसिंग थेफ्ट, अगर प्रोडक्ट का पैकेजिंग है तो कोई इंसान उस चीज़ को चुरा नहीं सकता, क्योंकि वो पेटेंट हो जाता है। फिफ्थ, हाउ कैन वी रिड्यूस पैकेजिंग, पैकेजिंग को रिड्यूस कैसे करेंगे? हम अपना खुद का बैग लेके जाएंगे शॉपिंग के लिए, तो पैकेजिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा। रीयूज पैकिंग पेपर, पैकिंग पेपर को हमें रीयूज करना चाहिए। रिसाइकल मटेरियल वाली चीज़ों को प्रयोग में लाओ अगर ला सकते हैं तो, और अगर हम बल्क में सामान खरीदेंगे तो कुछ हद तक पैकेजिंग की समस्या को समाधान हम कर सकते हैं। So my dear students, the last question of this chapter, what is better, compost or chemical fertilizers? So compost better है या chemical fertilizer better है? Compost वो होता है बेटा जिसमें हम प्राकृतिक तौर पे बनाते हैं humus को, या खाद कहिए, और chemical fertilizers वो हैं जो artificially तैयार किए जाते हैं factories में, industries में। सो जो कंपोस्ट होता है वो बेटर है केमिकल फर्टिलाइजर्स से। केमिकल फर्टिलाइजर्स काफ़ी सारी बीमारियां पैदा करते हैं इंसानों में, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं इसमें काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं, और जब हम ऐसा कोई मटेरियल खाते हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर्स से जिसकी ग्रोथ हुई है, तो ह्यूमन बींग्स में काफ़ी सारी डिसीजेस हो जाती हैं, और इसीलिए आज का जो मानव है वो बीमारियों से बहुत ज़्यादा ग्रस्त हैं, क्योंकि हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ में लाया है किसानों ने, जिसकी वजह से आज लोगों की समस्याएं जो हैं शारीरिक वो दिन पर दिन बढ़ रही हैं। सो माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप क्वेश्चन आंसर्स एंड वट एवर एक्सरसाइजेस वी डिड इन दिस वीडियो अब आपको पसंद आया होगा, और बेटा पसंद करो, लाइक करो, आपके विजय हमको अच्छा लगता है। बाय बाय।